जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 2024 के लिए NDA सांसदों को PM मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बोले हमें ऐसे मिलेगा वोट। जी हां, NDA सांसदों के क्लस्टर के साथ तीसरे और चौथे दौर के बैठक का दौर बुधवार आधी रात तक जारी रहा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयार हो रही रणनीति बैठक में PM मोदी ने सांसदों को जीत का मंत्र दिया। PM मोदी ने पहले उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के 45 से अधिक सांसदों की एक बैठक को न्यू महाराष्ट्र सदन में संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिणी राज्यों के सांसदों के एक अन्य समूह के साथ संसद भवन परिसर में बैठक की। बैठक में PM ने 18 से 20 मिनट के अपने संक्षिप्त भाषण में सांसदों से कहा कि गरीबों के लिए काम करें, इसी से हमें वोट हासिल होगा। जी हां, PM ने कहा कि जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता बढ़ाने के लिए सभी सांसद जमीनी स्तर पर बनाए योजनाओं को ज़रूरतमंद तक तो पहुंचाना ही है, लेकिन उनका फीडबैक पता करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पब्लिक की सोच का सही आकलन मालूम पड़ता है। जहां विपक्ष की सरकार वहां के लिए अलग रणनीति, प्रधान मोदी ने कलेक्टर 4 जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों के सांसद मौजूद थे, उन राज्यों में खासकर विपक्ष शासित राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति अपनाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में BJP की सरकार नहीं है, वहां राज्य सरकार से केंद्रीय योजना को लागू करने में ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। ऐसे में NDA के सांसदों को अपने बूते उन राज्यों में आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने पर फोकस करना चाहिए। मोदी बोले पूर्व त्यौहार जनता के साथ मनाएं। जी हां, NDA के सांसदों को प्रधानमंत्री ने यह भी नसीहत दी है कि सभी पर्व त्यौहार पर अलग से कार्यक्रम आयोजित करें, उसमें क्षेत्र की जनता को बुलाएं, उसके जरिए अपना जनता से बेहतर कनेक्टिविटी बनती है, जनता का नज़रिया आपके प्रति बदलेगा और आम क्षेत्रवासी आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़ेगा। जी हां, NDA के सांसदों को 11 समूह में बांटकर PM ले रहे बैठक। भाजपा के NDA सांसदों को अलग अलग क्षेत्रों के 11 समूह में बांटा है। PM ने सोमवार को 2 समूह के सांसद से बात की थी। पहले समूह में उत्तर प्रदेश के पश्चिम और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रों के सांसद ने भाग लिया, जबकि दूसरों ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के सांसदों ने भाग लिया। NDA सांसदों की तीसरी बैठक महाराष्ट्र सदन में हुई, जिसमें गोरखपुर, काशी और अवध प्रांत के 48 सांसद शामिल हुए। इस बैठक की मेजबानी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और महेंद्र पांडे ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। PM मोदी ने चुनाव में जुटने का आह्वान किया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक बैठक में PM ने NDA सांसद से में कहा कि चुनाव की तैयारियों में जुड़ जाए और सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में कॉल सेंटर लगवाए। इसके जरिए वो केंद्र, राज्य सरकार और खुद के द्वारा किए कामों का जमकर प्रचार करें। विपक्ष पार्टियों पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। PM मोदी ने बैठक के दौरान विपक्ष पर भी हमला किया है। PM ने कहा कि विपक्ष जमकर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के रणनीति चला रहा है। उनके काउंटर के लिए सांसद प्रोफेशनल सोशल मीडिया एक्सपर्ट को हायर करें। जी हां, जो विपक्षी दल को उम्मीदवारों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर कर सके। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, ऐसे में अब नए काम को करने के लिए ज़्यादा हाथ पांव मारने की जगह अपने जो पुराने काम किए हैं उसका प्रचार प्रसार करें। PM मोदी ने बताया कैसे मिलेगा वोट। जी हां, PM मोदी ने सांसदों की बैठक में कहा कि वोट हमें गरीबों के लिए काम करने से मिलेगा, विपक्ष को जातियों की राजनीति करने दीजिए, लेकिन हमें, हमारे लिए सिर्फ एक जाति है और वो गरीबी की जाति है, हमको गरीब कल्याण के लिए काम करना है। अफसरों को CM योगी की दो टूक, अवैध खनन पर लगाए लगाम।
इंटीग्रेटर माइनिंग सर्विलांस सिस्टम से रखे नजर। जी हाँ, सीएम योगी ने गुरुवार को अवैध खनन पर अंकुश लगाने और इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नदियां का समय पर ड्रेजिंग कराने का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। इससे बाढ़ की समस्या का समाधान होने के साथ ही नदियों को चैनलाइज करने में भी मदद मिलेगी। जी हाँ, इसके लिए मुख्यमंत्री ने खनन और सिंचाई विभाग को मिलकर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में खनन के नए ब्लॉकों को चिन्ह करते हुए खनिज उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि प्रदेश में ईंट उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि से मिट्टी निकालने की जगह वैकल्पिक स्रोतों की चिहित्रा किया जाए और ईंट भट्टों की उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आयुक्त, अपर मुख्य सचिव वन, प्रमुख सचिव खनन सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में खनन पट्टों के बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण एनओसी को शीघ्र प्रदान करने के लिए विभाग गंभीर प्रयास करे। उन्होंने अवैध खनन पर हर हाल में अंकुश लगाने और इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सीमावर्ती जनपदों में कार्यकल रहे 39 चेक गेट्स पर तकनीकी का उपयोग करते हुए बालू, मोरिग, बोल्डर सहित अन्य खनिजों की माल दुबाई के दौरान विशेष निगरानी करनी जाए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को हर हाल में रोका जाए, इसके साथ ही चेक गेट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने बाजार के मूल्य के हिसाब से खनिजों का मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश किए हैं। इसके अलावा मेजर ब्लॉक की नीलामी के लिए नीतियां में आवश्यक परिवर्तन करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ, नमस्कार।